हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसमें लास्ट लेक्चर्स में हमने बात की कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं, और हमने कुछ कोणों को भी निकालना सीखा उसमें। एक हमने उसमें पूरी टेबल फॉर्म करनी सीखी, ठीक है, जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उसमें किस एंगल की कितनी वैल्यू होती है, और हमने उसमें कुछ सवाल भी हल करने सीखे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो पूरक कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनके त्रिकोणमिति अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं, और जो हमारे संपूरक कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उनके त्रिकोणमिति अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे, बट उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। तो अगर दो कोण हमारे पास हैं, तो दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होगा, दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। अब देखो, हम त्रिकोणमिति के बारे में, किस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। जितनी भी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, वो सब किसके बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे उसमें, ठीक है। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ACB, यहाँ पे जो कोण सी है, ये क्या है हमारा, 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोण सी तो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। बाकी हमारे पास कोण ए बचा और कोण बी बचा। तो कोण ए प्लस कोण बी, अगर ये दोनों 90 डिग्री हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे, ठीक है। कोण ए और कोण बी 90 डिग्री हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। अब देखो, मैं इन्हें ऐसे भी लिख सकती हूँ कि कोण ए बराबर 90 डिग्री माइनस कोण बी, मतलब ये इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये कैसे होंगे, हमारे पूरक कोण होंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा था साइन थीटा क्या होता है, तो साइन बी बराबर हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है लाल बटे कक का, आपको ये याद हो गई होगी अब तक। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन बी का मतलब ये, इसके लिए लंब क्या है हमारा, ये है, ठीक है, और कर्ण क्या है हमारा, ए बी। तो हम क्या लिखेंगे, AC बटे AB, इसे पहले समीकरण मान लेते हैं। अब हम निकालते हैं कोस ए मतलब ये, अब इसके लिए आधार भुजा ये है और लंब भुजा ये है और कर्ण ये है। कोस बी होता क्या है हमारा, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब कोस ए के लिए आधार क्या है हमारे पास, AC, और लंब क्या है हमारे पास, सॉरी कर्ण क्या हमारे पास, AB। अब देखो, यहाँ पे समीकरण ए और बी कैसी आपस में बराबर है, यानी कि साइन बी बराबर क्या है हमारे पास, कोस ए, या कोस ए बराबर हमारे पास क्या है, साइन बी, यानी कि ये दोनों एंगल हमारे पास कैसे हो गए, बराबर हो गए। कब बराबर हुए, जब इनकी जो इन फंक्शन से ये कैसे अलग अलग है, है ना, साइन बी कोस ए के बराबर है, कोस ए साइन बी के बराबर है। तो इसी तरह से हमारे कुछ और रिलेशंस निकल के आएंगे, जो हमारे 90+θ में होंगे, 90-θ में होंगे, ठीक है, वो हमारे कैसे पूरक कोण है। संपूरक कोण में भी होंगे हमारे 180+θ, 180-θ। तो हमारे पास इस तरह से कुछ फॉर्मूले डेराइव होके आएंगे, जिनसे हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को हल करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं 90°-θ के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताती हूँ, ठीक है, कि अगर हम 90 में से कोई भी थीटा वैल्यू, वो 20 डिग्री है या 40 डिग्री है, उसको माइनस करेंगे, तो वो किस तरह से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास है साइन 90°-θ, तो ये कैसे बदलेगा। तो अभी हमने जो मैंने आपको अभी समकोण त्रिभुज बताया था, और उसमें मैंने एंगल्स को बराबर करके दिखाया था, ठीक है, उसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं, साइन 90-θ को हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा। थीटा की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है ना, ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे थीटा ही लाइट कर लिया इसे, ठीक है। दूसरा है हमारा, अगर मैं लिखूं टेन 90°-θ, तो ये क्या होगा हमारा, कोट थीटा। फिर कोसेक 90-θ बराबर क्या होगा हमारा, सेक थीटा, सॉरी सेक
थीटा। फिर हमारा आएगा सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा कोसेक थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा क्या होगा टेन थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है, याद करना इसे। हमने कोई हम जो हमारे छह फंक्शंस हैं हम उनको लिखेंगे, ठीक है, उनमें हम कोई भी 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 में से कोई भी थीटा जब हम माइनस करेंगे तो साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैंने लिखा कोट 90 माइनस थीटा तो टेन में कन्वर्ट होगा, टेन 90 माइनस थीटा कोट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा साइन में होगा और साइन 90 माइनस थीटा कोस में होगा, सेक कोसेक में होगा और कोसेक सेक में होगा, और ये सारे कैसे होंगे हमारे पॉजिटिव साइन होंगे, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। आपको ये अभी के भी याद कर लेना है कि 90 माइनस थीटा के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कैसे बदलते हैं, तो उसे हमें याद कैसे करना है, जो हमारे छह फंक्शंस हैं उन छह फंक्शंस को हम लिख लेंगे। ठीक है, 90 माइनस थीटा करके अगर हम उसे बदलते हैं तो वो अपोजिट जो होता है, जैसे टेन कोट का अपोजिट है उसके साथ बदल जाएगा, साइन कोस के साथ बदलेगा और सेक कोसेक के साथ बदल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि अगर ये 90 प्लस थीटा हो तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा के लिए हम कन्वर्ट करते हैं, 90 प्लस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, अगर मैं लिखूं साइन 90 प्लस थीटा तो ये हमारा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा। ठीक है, फिर कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा सेक थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा हमारा माइनस कोसेक थीटा। ऐसे ही कोट 90 प्लस थीटा होगा हमारा टेन थीटा, और टेन 90 प्लस थीटा होगा कोट थीटा। ठीक है, हमारे छह फंक्शंस हो गए हैं। अब देखो इसमें उसमें क्या डिफरेंस है ना, आपको याद कैसे करना है। इसमें भी साइन कोस में कन्वर्ट हो रहा है, कोस साइन में हो रहा है। जब हम प्लस करते हैं 90 प्लस करते हैं 90 प्लस करते हैं तो भी साइन कोस में और कोस साइन में कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें जो हमारा साइन है ना, ये जो साइन है, ये साइन और साइन का जो उल्टा है, इसमें सिर्फ हमारा नेगेटिव साइन आ जाता है, बाकी सारे क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सिर्फ साइन और कोसेक, साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, सिर्फ साइन वाले में क्या आता है हमारा नेगेटिव साइन आता है, बाकी सारे कैसे होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी ये और ये दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उसी मतलब जैसे इसमें चेंज हो रहा है सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, इसी तरह से इसमें भी चेंज हो रहा है कि सेक कोसेक में हो रहा है और कोसेक सेक में हो रहा है। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे इन साइन का डिफरेंस है। तो ये हमारे कैसे कौन है, पूरक कौन, पूरक कौनों का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, एक तो 90 माइनस थीटा करके करेंगे, दूसरा हम 90 डिग्री प्लस थीटा करके करेंगे। ठीक है, जब हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट होंगे, और 90 प्लस थीटा में भी हमारे इसी तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं, सिर्फ अंतर क्या हमारा इन दो साइन का अंतर है। ठीक है, ये आपको याद आ गया होगा, हो गया होगा, सॉरी समझ में आ गया होगा, आप इसको एक बार खुद बना के प्रैक्टिस करें। अब हम बात करते हैं बच्चों कि जो संपूरक कोण होते हैं उनका त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। बच्चों अभी हमने बात की कि जो पूरक कोण होते हैं उसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा उसको कन्वर्ट करना सीखा कि हम फंक्शंस को कैसे आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, आप उसको याद कर लेना। और अब हम बात करते हैं संपूरक कोण की, सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहले हम यही समझ लेते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, संपूरक कोण वो कोण होते हैं जब दो कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। कोई हमारे पास एक त्रिभुज है और उसमें हमने कोई एक
कोन ए लिया, दूसरा कोन बी लिया और इन्हें जोड़ने पर अगर 180 आ जाए तो वो दोनों कोण कैसे होंगे, उन्हें हम संपूरक कोण कहेंगे। अब हम संपूरक कोण में क्या करते हैं, उसमें हम त्रिकोणमिति अनुपात हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें एक तो हम करेंगे जैसे हमने पूरक कोण में निकाला 90 माइनस करके और 90 प्लस करके, इसमें हम क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए निकालेंगे और एक 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए निकालेंगे। तो पहले हम निकालते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, 6 फंक्शंस है, हम लिख लेते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, कोट 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा। अब इसे हम कैसे बदलेंगे, अब देखो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमारे जो फंक्शंस है जैसे हमारे 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में चेंज हो जाते थे, साइन कोस में कोस साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, इसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसमें साइन साइन में रहता है। तो साइन 180 माइनस थीटा को हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा, लेकिन इसमें क्या होता है कोस माइनस में होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोस है, ये पॉजिटिव होते हैं बाकी सारे हमारे नेगेटिव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट 180 माइनस थीटा माइनस कोट थीटा और कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा, प्लस का रहेगा ये, है ना, साइन और कोसेक ये दोनों कैसे रहेंगे, प्लस के रहेंगे, बाकी सारे हमारे माइनस रहेंगे। तो सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है, याद हो रहा होगा आपको साथ के साथ। हमने 90 माइनस थीटा पढ़ा, 90 प्लस थीटा पढ़ा, उन दोनों में आपस में जो फंक्शन है वो चेंज हो जाते हैं, साइन कोस में कोसाइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक और कोसेक आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ये फंक्शन आपस में चेंज नहीं होंगे, सिर्फ साइन अलग होगा। साइन कैसे होगा, अगर हम माइनस कर रहे हैं 180 माइनस थीटा कर रहे हैं तो साइन और साइन का जो अपोजिट है कोसेक वो प्लस में रहेगा, बाकी सारे हमारे माइनस में रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, अगर हम 180 डिग्री प्लस थीटा में कन्वर्ट करें तब कैसे चेंज होगा, ये हमारे सारे फंक्शन है, साइन 180 प्लस थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, कोट 180 डिग्री प्लस थीटा, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा और सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या होता है, जब हम 180 में कुछ भी थीटा प्लस करते हैं तो इसमें 10 और 10 का उल्टा जो कोट होता है वो हमारे पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं, और इसमें भी जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो आपस में नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो ये साइन 180 प्लस थीटा है तो साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन कैसा होगा माइनस का, इसमें कैसा था ये प्लस का था, कॉस कैसा होगा माइनस कॉस थीटा, टेन टेन पॉजिटिव रहेगा तो टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट, कॉट भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, कोसेक कैसा होगा माइनस कोसेक थीटा और माइनस सेक थीटा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कौन सा जो हमारे 90 माइनस और प्लस वाले हैं उसमें हमारे फंक्शंस चेंज होते हैं, जो 180 माइनस प्लस वाले हैं उसमें हमारे फंक्शंस चेंज नहीं होते, साइन साइन में होगा, कोस कोस में होगा, टेन टेन में होगा, कोट कोट में होगा, ठीक है, सेक सेक में होगा और कोसेक कोसेक में होगा, सिर्फ हमारे साइन चेंज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम जो हमारे और एंगल्स होते हैं, जैसे हमारे 270 प्लस है 270 माइनस है,
360 डिग्री प्लस या माइनस है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो आपके 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, वो आप हायर जो क्लासेस होगी उसमें आप उसके बारे में पढ़ोगे। लेकिन मैं एक चार्ट से आपको ये बता देती हूँ कि कौन से चतुर्थांश में, ठीक है, कौन माइनस का होगा और कौन सा जो फंक्शन है वो हमारा प्लस का होगा। बच्चों हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, ताकि हमें ये हमेशा याद रहे। हमारे पास ये एक तरह से चतुर्थांश है, ये हमारा x है और ये हमारी y है, एक दूसरे को ये काट रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा द्वितीय होगा, सेकंड, ये तृतीय, तीसरा और ये चौथा, यानी कि चतुर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। हम इसे हमेशा इस तरह से ही लिखते हैं ना, ये फर्स्ट होता है, सेकंड और एंटी क्लॉकवाइज होता है ये हमारा। अब हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है कि ऑल साइन टेन कोस आर पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ऑल साइन टेन कोस आर पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारा ये वाला जो चतुर्थांश है इसमें सारे जो होंगे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जीरो डिग्री एंगल है, और ये लाइन इस लाइन की क्या परपेंडिकुलर है, यानी कि क्या 90 डिग्री है, ये क्या हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री ये है, तो ये सारा मिलके क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया, और 90 90 90 तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री, और फिर हम जब चारों को जोड़ेंगे तो दोबारा से यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। कोई सर्कल जो होता है उसका भी एंगल कितना होता है, उसका भी जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, तो हमने यहाँ जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से 90, तो ये हमारा पहला फर्स्ट चतुर्थांश है। इसमें जो हमारे सारे फंक्शंस होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, हमने पहले ही कन्वर्ट करा था, जैसे हमने करा था 90 माइनस थीटा, तो उसमें जब हमने फंक्शन को कन्वर्ट करा तो सारे हमारे कैसे साइन थे, प्लस साइन थे, 90 माइनस करा था ना, तो यानी कि इसमें आएगा 90 प्लस इसमें आएगा हमारा, ठीक है, 90 में से आप कुछ भी माइनस करोगे तो यहाँ आएगा, लेकिन जब हमने करा था 90 प्लस तो 90 प्लस हमारा किस में जाएगा, सेकंड वाले में जाएगा, ठीक है, 90 प्लस किस में जाएगा, सेकंड वाले में जाएगा, तो उसमें हमने क्या करा था, उसमें हमने साइन और साइन का उल्टा, साइन और कोसाइन को क्या करा था, पॉजिटिव करा था, बाकी सारे हमारे नेगेटिव हो गए थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकंड में हमने क्या करा था, साइन और साइन का जो उल्टा कोसाइन वो पॉजिटिव था, बाकी सारे हमारे नेगेटिव थे, जब हमने 90 प्लस करा था। फिर हमने पढ़ा था संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण में हमने क्या करा था, एक तो हमने 180 माइनस करा था, ठीक है, 180 माइनस करा था, और दूसरा हमने 180 डिग्री प्लस करा था। तो जब हम 180 माइनस करेंगे तो हमारा 10, ठीक है, 10 और कॉट वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, और बाकी हमारे जो बाकी के जो फंक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, हमारे नेगेटिव होंगे। अब ये 180 जब में से हम माइनस करेंगे तो ये कौन से पार्ट में जाने वाला है, 180 माइनस थीटा करेंगे उसमें से कोई भी वैल्यू को जो हम माइनस करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, भाई यहाँ पे क्या आता है हमारे 180 से लेके 270 तक आता है, तो वो तो इसी में जाएगा, यही कहीं जाएगा, तो जब 180 में से हम माइनस करेंगे कुछ तो वहां क्या होगा, हमारा 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे हमारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब जब हम 180 प्लस करेंगे, 180 में हम जब प्लस करेंगे कोई भी थीटा की वैल्यू, तो हमारा जो कोस होगा, कोस और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, वो पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे हमारे नेगेटिव होंगे, ठीक है, बाकी सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो जब हम 180 में प्लस कुछ करेंगे तो वो हमारे थर्ड इसमें आएगा। ये आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, 90 माइनस 90 प्लस, 180 माइनस और 180 प्लस, इसके अलावा ये जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। आपको ये समझ में आया होगा कि आपको ये याद कैसे करने हैं, ठीक है बच्चों। मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ,
हमारे पास दो तरह के कोण होते हैं, एक होते हैं पूरक कोण और दूसरे होते हैं संपूरक कोण। पूरक कोण वो दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, संपूरक कोण वो दो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें हमारे पास चार तरह के त्रिकोणमिति अनुपात निकलते हैं। इन दो कोणों में, दो हमें पूरक कोण में मिलते हैं और दो हमें संपूरक कोण में मिलते हैं। तो पूरक कोण में हमें कौन से मिलते हैं, जब हम 90 प्लस थीटा करते हैं और 90 माइनस थीटा करते हैं। संपूरक कोण में भी हम क्या करते हैं, 180 माइनस थीटा करते हैं और 180 प्लस थीटा करते हैं। तो कब माइनस और प्लस करने पे हमारे फंक्शंस किस फंक्शन में चेंज होंगे, इसके हमने फॉर्मूले आपको लिखे हैं, वो आप नोट डाउन करें और उनको याद करें। जब हम 90 माइनस या 90 प्लस थीटा करेंगे तो सारे फंक्शंस हमारे आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम 90 प्लस करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, माइनस में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, प्लस में हमारा साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। जब हम 180 में से माइनस कोई भी करेंगे, एंगल को माइनस करेंगे, तो हमारे टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। जब हम 180 में प्लस करेंगे तो हमारे कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे हमारे नेगेटिव होते हैं। आप इस शॉर्ट ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा पूरक और संपूरक कोण के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले और लिखा देती हूँ। देखो बच्चों, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो कि साइन और माइनस थीटा हो, ठीक है, साइन के साथ जो थीटा है वो माइनस दे रखा है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इनका यूज हम क्वेश्चंस में करते हैं। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा दिया हो तो उसे माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर कोस माइनस थीटा दिया हुआ तो उसे हम पॉजिटिव लिखते हैं, है ना, कोस थीटा लिखते हैं, इसमें माइनस का साइन नहीं लगाते। इसके अलावा टेन माइनस थीटा को हम लिखेंगे माइनस टेन थीटा, और कोट माइनस थीटा को हम लिखेंगे माइनस कोट थीटा। नेक्स्ट हमारा है साइन कोट ऑफ कोसेक, तो कोसेक माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक थीटा। और कोस का उल्टा सेक बचा हमारे पास, सेक माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, सॉरी प्लस का लिखेंगे इसे, सेक थीटा। यानी कि जब हमारे इन फंक्शंस के साथ जो थीटा है वो नेगेटिव में हो तो सिर्फ कोस और उसके अपोजिट सेक को छोड़कर बाकी सब में जो नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है, और ये दोनों कैसे होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि साइन थीटा वन अपॉन थीटा कोस थीटा टू, इस तरह से अगर हमें कुछ वैल्यू दी हुई है तो इसका मान हमेशा वन होता है, ठीक है। वन कैसे होता है, ये जो थीटा वन है और थीटा टू है, अगर इनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। अगर हमें इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और थीटा को अगर हम जोड़े तो ये जोड़ने पर अगर हमारा 90 डिग्री आ जाए तो इसका जो मान होगा वो हमेशा एक होगा। जैसे एग्जांपल भी देख लेते हैं हम, जैसे साइन 72 डिग्री है और नीचे कोस 18 डिग्री है, तो आप 72 और 18 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 18 डिग्री और 72 डिग्री क्या हो गया, 90 डिग्री। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान 1 ही आएगा। अब ये सॉल्व कैसे करोगे, अभी हमने कन्वर्ट करना सीखा है। 72 को कैसे करोगे आप, 90 माइनस 18, 90 माइनस 18, 90 में से 18 गए कि क्या होगा, 72। और ये है हमारा साइन, 90 माइनस 18 को क्या लिखेंगे हम, कोस 18, ठीक है। ऊपर हमारा कोस 18 में बदल गया है और नीचे हमारा कोस 18 है, एक कट जाएगा और एक आ जाएगा। मतलब हम क्या करते हैं, सेम फंक्शन में उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो हमारे जो ये मान होते हैं ज्यादातर कट जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सब से जो हमने आज पढ़ा उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे कि किस तरह से हम एंगल को दूसरे एंगल में कन्वर्ट करके अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।